नेट में उसका एक सेकंड एक सेकंड नेट में देखिए ना उसको ओम जी ओम जी ओम जी ओम जी देखिए ना कोई बोला केजरीवाल को चैलेंज करता हूँ केजरीवाल से जुड़ी है जिसको अरविंद केजरीवाल केजरीवाल का अमेरिकी नक्सली नहीं है आप किसी महिला को कुछ भी महिला मैं पहली चीज एक चीज आपको कि आपने उस महिला को रोका नहीं मैं आपका गेस्ट था आपने उसको सब कुछ दिखा रही है और आपको मैं कह रहा हूँ अजय को कह रहा हूँ आप खामोश में एक चीज मुझे आप बताइए किस आपको चार बार उधर गया सुनिए ना तो आपको स्वामी कहलाने का कोई हक है ना आपको बाबा कहलाने का कोई हक है जिस तरीके का चरित्र आप दिखाते हैं आप महिलाओं पर आरोप लगाते हैं आप महिलाओं को गालियां देते हैं मारने के लिए जाते हैं आप कैसे स्वामी कहला सकते हैं महिला को इज्जत देने आपको बोला जा रहा है महिला को इज्जत नहीं महिला को संरक्षण दे रहे हैं एक सेकेंड मैं ना तो आपको स्वामी बोलूंगा ना तो मैं आपको बाबा बोलूंगा ना तो आप बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना होगा कि महिला को इज्जत देनी होगी क्यों नहीं करना आप किसी महिला पर आरोप लगा रहे हैं आपको कुछ भी कहेंगे नहीं किसी के ऊपर आप इस तरीके का आरोप लगा देंगे चरित्र पर एक सेकेंड जैन जी एक मिनट चुप रहिए ओम जी आप चाहते हैं कि आपको ओम जी के संबोधन से बुलाया जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता एक महिला के लिए किस हिसाब से भाषा का इस्तेमाल करना संत क्या संत की शोभा संत क्या महिलाओं के साथ इस तरीके का चरित्र दिखाता है संत क्या महिलाओं के लिए इस तरीके का शब्द अपनाता है पूजा में मैं ही करता हूँ कौन सी महिला की किस तरीके से इस तरीके से पूजा होती है लेकिन मैं नहीं मानता अब आप देखिए संत क्या करते हैं बिग बॉस के अंदर अगर आप संत खुद को कह रहे हैं तो आप देखिए संत का क्या आचरण देखने को मिला वो स्वामी और जो आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं एक महिला के लिए शब्द बोल रहे हैं वो तो आप ही है ना हाँ, वो मैं हूँ वो है महिला के लिए नहीं बोल रहा वाह बाबा ये संत का आचरण है तो भगवान किसी को संत ना बनाए आम आदमी पार्टी आप चुप रहिए आपको शर्म नहीं आती एक महिला के लिए इतनी बदतमीजी से बोलते हुए आपको यदि बेइज्जती करने के लिए बुलाना था बाबा आप भागने के आदि हो गए बाबा जब जवाब नहीं होता आप भागते हो कोटा पूरा हो चुका है नहीं नहीं आप भागना शुरू कर देते हैं बाबा आप देखिए किस तरीके से आप जबरदस्ती लोगों से लिपट रहे हैं ये संत के आचरण है मैं लिपट रहा हूँ वो लिपट रही संत के आचरण भला है हमें संत नहीं हुआ आपसे ये देखिए ये क्या हो रहा है ऐसे तो ये कौन सा नागिन डांस है बाबा बारात में भी इससे अच्छा नागिन डांस होता है खत्म होने दीजिए फिर जवाब आप देखते जाइए आप अपने सारे रंग देख लीजिए आप भूल जाते होंगे कि दिन भर आपने क्या बवाल किया इसका तर्क तो इनके पास है कि ये ओम लीला है लेकिन आज के शो में भी आपने वादा किया था कि आप इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल चल रहा है या आपकी आवाज जा रही है मेरी आवाज जा रही है आप सुन लीजिए जरा थोड़ी देर के लिए तसल्ली से सुनिएगा और उम्मीद करूंगी कि आप सदाचार में रहते हुए सभ्य भाषा जैसा कि आप अपने लिए तुम सुनना पसंद नहीं करते ना वैसे ही आप दूसरों के लिए भी तमीज की भाषा का इस्तेमाल करेंगे अब जरा सुनिए उस दिन तो आप ओम लीला कर रहे थे लेकिन आपने स्टूडियो में चलिए वो महिला क्या है क्या नहीं है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए एक महिला उसके खिलाफ आप माँ बहन की गाली इस्तेमाल करते हैं सुनिएगा और हमारे पास रिकॉर्डिंग है हमारे पास सबूत है दूसरी बात आप सनी लियोनी के लिए अभद्र शब्द का इस्तेमाल करते हो और तीसरी बात सुन लीजिए पहले आपको पूरा मौका दूंगी आज तो आप ओम लीला नहीं कर रहे ना हमारे पिछले दो कार्यक्रम में भी आप ओम लीला नहीं कर रहे थे आप ओम थे खाली ओम और अभी भी आप ओम थे आप एक महिला के लिए वो शब्द बोलते हो मुझे शर्म आती है और आपको मालूम है आप मुझे बता रहे थे कि डिफेमेशन हो सकता है अगर वो महिला चाहे तो आप हवालात के अंदर होंगे चैलेंज करता हूं मैं चैलेंज करता हूं हिम्मत है तो डिफेमेशन केस करे सलमान खान ने भी डिफेमेशन कुछ भी आप ये तो मानेंगे ना ये संतों की हरकत है महिला तक पहुंचाएं आपका ये चैलेंज देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं पहले भी मैंने ये बात कही है भगवान राम ने जब सूर्पनखा का नाक कटवाया तो ऐसी सूर्पनखाओं को मैं महिला नहीं मानता ऐसी महिला नहीं मानता ये आपका सुनिए ये आपका कर्तव्य था मैं आपका गेस्ट था
आपने वो भी हमारी गेस्ट थी, आप उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके साजिश में शामिल करने के लिए आपने उसको बुलाया था, मेरी बेइज्जती करवाने के लिए आपने बुलाया था, और तभी मैं करता हूँ कि आपका आपको सबसे इतनी दुश्मनी क्यों है? आप में से क्या कमी है कि हर कोई आपसे नफरत करने लगा है? आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनवा दिया, लोगों को अपना बनाना भी तो सीख लीजिए कम से कम। मेरे जो लोग हैं, मेरे लोग अपने हैं। तमीज से बात करिए, राम में ही कहा जाता था यत्र नारी पूज्यन्ते, उसके आगे आपको मालूम है? वो मैं आपके यहाँ पहले सुना, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? आप मतलब भूल गए शायद। वो मैं ना, नहीं नहीं, क्या है, क्या इसका मतलब है? आप भूल गए, मैं नारी की पूजा करता हूँ, आज भी नवरात्रि में 1000 पूजा है, ये पूजा है, आप तस्वीरें देखिए, क्या ऐसी पूजा होती है? पूजा नहीं है ये, पूजा स्वामी ओम नहीं है, वो तो ओम लीला नहीं है, छोड़िए ना, वो तो लीला है, सुन लिया मैंने, अपने प्राण बचाने का जद्दोजहद करने वाला एक कैदी। डरपोक आदमी स्वामी नहीं हो सकता, ओम लीला थी वो, डरपोक आदमी स्वामी नहीं हो सकता, ये तो एक आम इंसान है। कर रहे थे, गाली दे रहे थे उस महिला को, सनी लियोनी के लिए हमारे स्टूडियो में बैठकर जिस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया था, जिसकी हमने निंदा की थी, चुप रहिए। अरे आपका, मैंने सिर्फ ये कहा कि वो मेरे गले लगी, इसमें कौन सी गाली हो गई? अरे आप उस दिन उठ के चले गए थे इस बात पे, इस बात पे बाबा बादाम खाइए, के आप क्या कह रहे थे? आप उठ के भागते चले गए थे जब हमने आपसे कहा था कि अगर आप किसी महिला की बेइज्जती करेंगे तो बाबा बादाम खाइए, बादाम से आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, आप भूल जाते हैं। आगरा के हॉस्पिटल पागलखाने में जाकर के, अच्छा अच्छा, सब इलाज कर रहे हैं, वहां से आपका इलाज अच्छा नहीं हुआ बाबा, सभी ठीक है, वो आप हम तो इलाज कर रहे हैं, हम डॉक्टर हैं बाबा, 400 डॉक्टर ने आपका इलाज किया, आपके ऊपर रिसर्च किया, आप क्या कह रहे थे मुझे बताइए, टेस्ट किया बाबा, रिजल्ट क्या आया बाबा? मुझे लग रहा था रिजल्ट क्या आया, आपकी ये पब्लिसिटी स्टंट है, मेरे फेवर में आया, क्या फेवर में आया बाबा? मुझे सबसे इंटेलिजेंट कहा गया, अच्छा बस, ये सलमान खान ने खुद ही अनाउंस किया है बाबा, आप फंसाते बहुत है, आप किसी कॉमेडी शो में तो नहीं जाने वाले? मैं ये जानना चाहता हूं, अब तो इनकी बातों पे हंसी कम, आप महिलाओं के लिए ऐसा कैसे कह लेते हैं? आपकी आपकी आत्मा महिलाओं का मैं आदर करता हूँ, राक्षसनियों का मैं ना आदर नहीं करता। अच्छा, राक्षसों के साथ क्या किया जाता है? वो बोले कि आप राक्षस हैं तब क्या? संघार करने आए? अच्छा अच्छा, संघार करेंगे नक्सली आतंकवादियों के जो फंडिंग है। जैन साहब, अगर वो आपको दानव कह दे तो क्या ये सही हो जाएगा? जैसे आप उन लोगों को राक्षस कह रहे हैं, वैसे आपके लिए वो कह दे कि आप राक्षस है, दानव है, तो आप मान ले, मान ले, जुड़े इतने लोग हैं, दुर्योधन है कहने से हो जाएंगे क्या? आप राक्षस हैं कहने से हो जाएंगे क्या? जैसे आप दूसरों को कहते हैं, चलिए जाने का बाबा, भागने का वक्त आ गया लग रहा है बाबा, आप दौड़ में पार्टिसिपेट करिए, ओम बाबा दौड़ में पार्टिसिपेट करिए, आप बहुत तेज दौड़ते हैं। नहीं नहीं, एक डरपोक जैसे अपनी जान ज्यादा प्यारी है। पिनाज, आप सबसे पहले यहाँ से उठने के बाद ना, आप यहाँ से फ्लाइट लीजिए आगरा का, आप मेरा जवाब नहीं देते बाबा, जब भी आप ये बोलते हैं पूछता हूँ आपका इलाज वहीं हुआ था क्या बाबा? आपका इलाज वहीं हुआ क्या बाबा? आपका इलाज वहीं हुआ क्या? नहीं हुआ तो आपका इलाज कहाँ हुआ? आपका इलाज कहाँ हुआ? जन्म हुआ है देशद्रोहियों का इलाज करने के लिए। अच्छा, मुझे जब बीमारी नहीं है तो इलाज क्या करेगा कोई? बाबा राम राज्य की स्थापना करेंगे जैन जी, करके रहूंगा। अरे ओम सुनिए तो सही, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मुकेश जैन विनोदानंद झा उर्फ ओम बाबा ये देश छोड़कर बैठा रहे हैं। मैंने कितनी बार कहा आपको कि ये गंदा बाबा जी स्वामी ओम जी, अगर स्वामी ओम जी देश के रक्षक हैं, इस देश की रक्षा करेंगे। सवाल फिर से पूछ रहा हूँ कि आपको पता भी नहीं चला, फाइनल राउंड हो गया, उसके बावजूद किसी ने आपको कॉल करके नहीं बताया? थोड़ी हूँ भाई मैं परमात्मा, थोड़ी हूँ आपको क्या गैलेक्सी अपार्टमेंट नहीं पता, जोधपुर का रास्ता नहीं पता था, क्या नहीं पता था? सुनिए, चोरों की तरह यदि वो चुपके से करके भाग जाए और वो जोधपुर भाग जाए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा रनर अप कौन है इस बार? आपको तो पता चल गया होगा ना, एक सवाल पूरा का जवाब पूरा होता नहीं बीच में, और आपने तो बीच में आप फिर ऐसी बात बोल देते बाबा जो एकदम सत्य के परी हो जाती है। आप जुर्म मानते, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपको किसी पर फर्क नहीं पड़ता बाबा। फिर उसने कहा कि स्वामी जी 28 का कैंसिल हो गया है, अब ये 27 को कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर 27 को ऑलरेडी हमने अपनी पूरी तामझाम वहाँ पर लगवा दी, वहाँ पर लगाने के बाद
जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ पर ताला लगा हुआ मिला, पता किया तो पपलू बन गया। एक मिनट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पपलू बन गया बाबा, यही तो होता है, आपको पता ही नहीं चला और सब हो गया। सुन लीजिए, सलमान खान 27 को शूट करने के बजाय वो पहुँच गया वो जोधपुर, बाद में पता लगा कि 25 को ही चुपके से शूट करके। बाबा आप उस बारात में गए जहाँ शादी भी नहीं देख पाए आप, ऐसा ही हो गया ना आपके साथ। आप उस बारात में गए जहाँ आप शादी नहीं देख पाए, मतलब आप गए थे बंद कराने बिग बॉस का फिनाले, आपको पता लगा वो तो हो चुका है, बंद नहीं कराया, बंद करा दिया, वो हो चुका है बाबा। अच्छा एक चीज बताइए जैन साहब, आप पतंग उड़ाते थे और बाबा आप चक्री पकड़ते थे क्या? बहुत फेंकते हैं क्योंकि बाबा भगवान आपके माध्यम से चमत्कार करवाते हैं, सही बोल रही हूँ कि गलत? हाँ ना, बाबा खुद हंस लोगे आप कभी कभी ये सोच के। बाबा को बताया नहीं भगवान ने कि मेरे प्यारे शिष्य? भगवान से मैंने पूछा नहीं क्योंकि मुझे पता था कि 28 को हमेशा होता है फिनाले। और सुनिए सुनिए सुनिए, आप जिस चमत्कार की बात कर रहे हैं ना, जिस भगवान जगन्नाथ की कृपा से पिछले 113 साल से कोणार्क मंदिर बंद हुआ पड़ा है, अंग्रेजों ने बंद करवाया था, उसको खुलवाने का ऑर्डर बिना पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास किए बगैर वो हमने ऑर्डर करवा दिया है, जो ऐतिहासिक काम सामने वही कृपा है, वही भगवान जगन्नाथ की उसी की कृपा है ये। जरा थोड़ा थोड़ा हमारे चैनल पे आप आए हैं, हमारे मेहमान हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों का भी भला कीजिए ना। अब भगवान क्या क्या करवाने वाले हैं आपके माध्यम से, वो भगवान जाने। तो बाबा हमारे साथ हैं, ओम बाबा, जो कि अपने आप को दावा करते हैं कि ये भगवान का एक जरिया है, भगवान के जरिए तमाम चमत्कार करते हैं। लेकिन बाबा ये जो फिल्म आप करने जा रहे हैं, ये भगवान के आदेश के बाद कर रहे हैं या अपने मन से फिल्म साइन कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल उनका आदेश से कर रहा हूँ। या जैन साहब ने आदेश दिया, क्योंकि हर चीज तो आजकल वही लेकर देते हैं। जैन साहब तो देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे, मैं तो चाहता हूँ कि हर भारतीय जैन साहब की तरह ही। फिल्म की बात कर रहे हैं बाबा, जैन साहब की छोड़िए, जैन साहब के बारे में तो आपने कई सर्टिफिकेट छाप दिए उनकी देशभक्ति को लेकर, हीरोइन कौन से पसंद किया आपने? वो मुझे पसंद करने की जरूरत थोड़ी है। नहीं पर तो फिर कौन भी होगी? अच्छा, तो बाबा को कौन सी हीरोइन पसंद है? देखिए मेरे अपने फिल्म में उनकी जो हॉलीवुड में बन रहा है उसमें कोई हीरोइन है नहीं, क्योंकि उसमें कोई हीरोइन नहीं, क्योंकि अच्छा ओम जी ने उसका नाम, सिर्फ ओम जी है और कुछ नहीं। कौन बना रहा है पिक्चर वो तो आपको अभी पता लगेगा जब वो लोग। तो उसमें बाबा क्या कर रहे हैं, भागने वाले हैं जैसे भागते हैं शोज से या मेरे कुछ लाइफ है? में जो भी मैंने आंदोलन किए हैं, अच्छा, जो भी मैंने मिरेकल्स किए हैं। पिक्चर देखते हो ओम जी? मुझे टाइम नहीं है देखने का, देखने का टाइम पर एक्टिंग करने का टाइम है ना, टीवी देखने का टाइम है, एक्टिंग करने का टाइम अब इसलिए है क्योंकि मुझे राम राज्य की स्थापना के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। बाबा ये नागिन डांस उसी फिल्म के लिए आपने सीखा था? वो तो आपने देखा कलर्स के एक्टर्स आए हुए थे, नागिन सीरियल वहाँ पर चल रहा है। होगा कि नहीं होगा? क्या नागिन डांस? नहीं उसमें नागिन डांस कहाँ आएगा भाई? अच्छा कौन बना रहा है हॉलीवुड का ये नहीं बताएंगे आप? अभी अभी नहीं बताऊंगे क्योंकि उन्होंने कब तक रिलीज होगी अब वो तो वो जाने ना, उन्होंने ये कहा है कि शूटिंग इंडिया में करेंगे या हॉलीवुड में जाके करेंगे? तो इंडिया का उत्थान करने की पिक्चर हॉलीवुड में क्यों बनवा रहे हो विदेशी धरती पे जाके? यहाँ इंडिया के लोगों के ऊपर 600 पेज की किताब रोनाल्ड रीगन ने लिखी है, जो बहुत बड़े एक्टर थे और रोनाल्ड रीगन ने किताब लिखी, रोनाल्ड रीगन ने किताब छप गई, किताब छपी, किताब लिखी, वो तो लिख कर देखना टाइटल क्या है, बाबा बवाली या कुछ और? क्या है टाइटल, क्या है बुक का नाम? किताब का नाम है ओम जी द मैन ऑफ मिरेकल्स। अच्छा मैं गूगल सर्च कर लूंगा, खुद ही मुस्कुरा दे रहे हैं, आप देखिए का नाम लिखिए और देखिए आपके नाम को आपको मुझे मुस्कुराने भी नहीं देते। अच्छा कहाँ मिलेगी बता दीजिए? अरे हम आपको फ्री में दे देंगे, हमारा जो स्टॉल है खुद ही छपा के, रोनाल्ड रीगन का नाम तो नहीं छपा लिया उस पे? किताब तो हम खुद ही, यदि वो मैंने, यदि वो मैंने किया होता ना तो मेरे ऊपर में डिफेमेशन केस चल रहा होता। अच्छा ये किताब वही तो नहीं छपी जहाँ से आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट छपवाते हैं? नहीं जो जैन साहब को भी दे दिया, बाकी लोग मुझे ये बताइए कौन से सन में आई थी भाई? ये 70 के दशक में आया था भाई, 70 के दशक में। तब आपकी उम्र क्या रही होगी? मैं बहुत बच्चा था उस वक्त, तब वो हॉलीवुड में थे बाबा, तब वो हॉलीवुड में मेरा उसका उनके साथ में लड़ाई हुआ था क्योंकि वहाँ पर मैंने ईसाइयों का जोरदार मैंने बाबा लेके साथ में भी अपना एक रिपोर्टर भेजूंगी, वो एक तो किताब की कॉपी लेके आएगा और आपका पासपोर्ट लेके आएगा, मेक्सिको गए हुए हैं। और इसके लिए रोनाल्ड रीगन से कहाँ मिले थे?
वहां मिले थे, वो आपसे मिले होंगे कहीं, पता नहीं ना कहीं, आप तो कहां कहां जाते रहते हैं, आपने कहां अपॉइंटमेंट दिया आपको, कितने साल से आप अमेरिका में थे, कब से कब तक? अरे कब से कब तक नहीं, मैं तो आता जाता रहा हूं, लेकिन ये जो मेरी पहली घटना थी तब की बात कर रहा हूं, जब पहली बार हम गए थे। तो अमेरिका कैसा लगा आपको, क्या क्या देखा अमेरिका में? अरे मैं घूमने के लिए नहीं जाता हूँ, मैं राम राज्य की स्थापना के लिए जाता हूँ। अच्छा, मुझे मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि फालतू में मैं पिकनिक मनाऊंगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए, तो फिर आप है नहीं जिंदा अपनी सफाई देने के लिए? अरे भाई रोनाल्ड रीगन रोनाल्ड रीगन जिंदा नहीं है, और एक किताब भी जिंदा नहीं, आप ये कह दीजिए किताब जिंदा है, पक्का जिंदा है, जिंदा है। मोदी जी तो आपके ऊपर किताब नहीं लिख रहे ना, उन्होंने